अब हम जा रहे हैं के बायरन लाइट हाउस पर। के बायरन लाइट हाउस सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जगह है यहाँ की बायरन बे की। ऑल दो मुझे बीचेस भी उतने ही अच्छे लगे, मुझे मार्केट भी है वो भी उतनी अच्छी लगी, बट हाँ अगर आप बायरन बे आए हो और केप बायरन लाइट हाउस नहीं जाते तो आपका ट्रिप एक अधूरा सा ही रहेगा। तो केप बायरन लाइट हाउस आने के लिए हमने सुबह सुबह का टाइम चूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत हो जाती है और पार्किंग स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो पार्किंग स्पेस दो तीन लेवल पर है, एक बिल्कुल बॉटम पर था, इससे थोड़ा सा नीचे, मतलब जहाँ पर हम पहाड़ पर हैं, बेसिकली क्लिफ है ऊपर। तो ये नीचे जो पहला लेवल का जो कार पार्क था वो एक बीच की तरफ जाता है, हमने वहाँ पर पार्क नहीं किया क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा पैदल चलकर आना पड़ेगा। अब हम आ गए, ये सेकंड लेवल वाला है, ये यहाँ पर कार पार्क है, ये 8 बजे से पहले आप यहीं पार्क कर सकते हो, वरना बूम गेट है उधर, वो देखो जैसे आप उधर देख पा रहे होंगे पीछे, उस बूम गेट से पास नहीं कर पाओगे अगर आप 8 बजे तक, क्योंकि वो 8 बजे ओपन होगा बेसिकली। उसके बाद ये वो जो ऊपर पार्किंग है वहाँ पर 20-25 गाड़ियाँ ही लग सकती हैं, वहाँ पर भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है कि पार्किंग हो जाए, बट ये वाली जो जगह है ये लेवल 2 वाला है, यहाँ से थोड़ा पैदल ज़रूर चल के जाना पड़ेगा, बट हाँ आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी। जो पार्किंग फेयर है वो नॉमिनल सा है, $15 में 3 घंटे का मेरा कार पार्क इधर का हो गया है, और बहुत ही नॉमिनल सा है जो, बट अगर आप यहाँ से चलकर जाओगे ना तो चलकर जाते हुए जो व्यूज़ आपको दिखेंगे इट इज़ वर्थ इट, वर्थ वॉकिंग। बट अगर साथ में बच्चे आए हैं तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि ज़रूर आप ऊपर पार्क करना और जितना जल्दी हो सके आना, 10 बजे ही ओपन होता है ऊपर वाला कार पार्क। तो आओ चलते हैं। तो यहाँ से ऊपर चलकर जब आप आते हो, हार्डली 2 या 3 मिनट का रास्ता है, क्लिफ है काफ़ी, मतलब अपहिल है ऊपर अगर आप आते हो, और अगर आप इधर देखते हो यहाँ से जो व्यू आता है रास्ते में, बहुत ही सुंदर व्यू है। ये बीच है, पूरा बीच एरिया, पीछे मेरे लाइट हाउस है तो यहाँ पर लोग लगे हुए हैं फ़ोटो खींचने, मैं भी लगा हुआ हूँ वीडियो बनाने। तो मेरे पीछे है, आप देख सकते हो, ये है केप बायरन लाइट हाउस, और यहाँ से जो सनराइज़ का जो व्यू है वो बहुत सुंदर है, और लोग जो इधर हैं वो खड़े हैं, वो वेल वॉचिंग कर रहे हैं, टाइम पर वेल्स यहाँ पर आती हैं ऊपर, तो कैमराज वगैरह अच्छे खासे लगाए हुए हैं, वेल्स की वीडियोस फ़ोटो सब बना रहे हैं। सनराइज़ यहाँ से बहुत ही सुंदर दिखता है, तो कल सुबह मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पर सनराइज़ का वीडियो जो है वो कैप्चर करने के लिए। और ये ओशन पूरा चारों तरफ समुद्र, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ईस्टर्ली पॉइंट है, ईस्टर्ली मतलब जो ईस्ट कोस्ट के सबसे ईस्ट में है, तो यहाँ से जो मून है, जो सन है, वो सब यहाँ बहुत ही ज़्यादा पास दिखते हैं, और वो बहुत ज़्यादा पास दिखने की वजह से वो बहुत ज़्यादा बड़े भी दिखते हैं। तो ये वाला जो एरिया है ये सबसे टॉप वाला जो है कार पार्क है, यहाँ पर 15-20 गाड़ियाँ के करीब जो है वो पार्क हो सकती हैं। तो इधर कार पार्क है और इस साइड पर ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस है, और ये नीचे इससे नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया है ये इंफॉर्मेशन सेंटर और कैफेटेरिया है, तो यहाँ पर आप अगर आपको कुछ खाना है तो आप खा सकते हो, मंचिंग कर सकते हो, और इसके अलावा आप साथ साथ यहाँ पर पानी वगैरह भी पी सकते हो। तो जब आप ऊपर आओगे तो मैं रेकमेंड करूँगा पानी ज़रूर लेके आना यार, क्योंकि यहाँ प्यास बहुत लगेगी आप लोगों को, और बच्चे हैं तो स्पेशली पानी साथ ज़रूर लेकर आना। तो मेरे पीछे है वो है इंफॉर्मेशन सेंटर, यहाँ का इंफॉर्मेशन सेंटर और कैफेटेरिया। तो जो फर्स्ट एरिया है इधर वाला, पहले वाला, वो इंफॉर्मेशन सेंटर है, अभी क्लोज्ड है क्योंकि ये 10 बजे खुलेगा, और इसी के अगर पीछे जाओगे तो वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका कैफेटेरिया। तो कैफेटेरिया में आप खा सकते हो, वॉशरूम्स अगर आपको जाना है तो नीचे हैं, यहीं से जाने का रास्ता है, वॉशरूम भी अवेलेबल हैं आपके लिए। और ये अगर आप देखते हो तो ये है केप बायरन लाइट हाउस, सबसे टॉप पर इसका रिफ्लेक्टर आप देख सकते हो, इस रिफ्लेक्टर से जो है लाइट है वो रिफ्लेक्ट की जाती है ओशन की साइड पर, और चारों तरफ ही घूमता है वैसे तो ये, इसका पर्पस बेसिकली ये है कि बताना कि यहाँ पर लैंड है, तो इसको एक नेविगेशन के लिए, शिप्स की, बोट्स की नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। बट ये वाली जो जगह है यहाँ पर, ये सुबह आना वर्थ है, बहुत ही सुंदर जगह है, और मोस्ट ईस्टर्ली पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का, तो वो तो चार चांद कहूँ तो बड़े वाले कहूँ, बड़े वाला चांद यहाँ से दिखता है। एक स्क्रीनशॉट मैं आपके दिखाऊँगा यहाँ का फ़ोटो जो है मून का, रेड मून, जो फुल मून होता है उस दिन यहाँ बहुत लोग आते हैं, तो फुल मून जिस दिन हो सके तो उस दिन आना, ताकि आपको यहाँ पर जो
सनराइज है या मून राइज है वो आपको बहुत अच्छे से और बहुत बड़ा दिख सके। बच्चों के साथ आने की जगह अच्छी जगह है, ड्रोन वगैरह नहीं उड़ा सकते यहाँ पर, स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते यहाँ पर। ये जो पिलर आप मेरे सामने देख रहे हो, ये पिलर जो है वो मैपिंग के लिए यूज़ होता है, एक्यूरेट हाइट देखने के लिए, और जो बेसिकली जो यहाँ का जो सर्वे है, जो मैपिंग जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो करती हैं, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। NSW गवर्नमेंट सर्वेयर्स हैं जो वो यूज़ करते हैं इसकी एक्यूरेट हाइट वगैरह के लिए। और इसका एग्जैक्ट यूज़ क्या है वो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, बट हाँ ये मैपिंग और हाइट नापने के लिए यूज़ किया जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है जो ये इसी तरह के और भी हैं जो जगह जगह पर लगे हुए हैं, वो ऑलमोस्ट 6500 के करीब ये और भी हैं जो लगे हुए हैं, बट हाँ ये मैपिंग के लिए और सर्वेइंग के लिए यूज़ होता है। ये केप बायरन लाइट हाउस, इसके अगर चारों तरफ जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छे अलग अलग जगह के जो व्यूज़ हैं वो देखने को मिलेंगे। मैं निधि को कहूँगा कि एक बार साथ आ जाए मेरे कैमरा लेकर के, ताकि मैं आपको पूरा घूम करके इसको दिखा सकूँ कि क्या कुछ है क्या नहीं है। ये छोटा सा कमरा है, पता नहीं किस लिए है, मुझे भी नहीं। और थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ से जो लाइट हाउस है उसकी एंट्रेंस है। सो ये डोर है लाइट हाउस के एंट्रेंस का। और अगर मैं आपको इसके अंदर दिखाऊँ यहाँ से शीशे से, ये विंडो है, तो विंडो के अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊँ तो यहाँ पर कुछ बुक्स रखी हैं और इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में अंदर दिखा मतलब बताया गया है, बुक्स वगैरह रखी हुई हैं और अंदर कुछ इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, मुझे नहीं पता वो किस चीज़ के हैं, बट हाँ इक्विपमेंट्स हैं। और अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो ये इसका डोर है, ये इसका दरवाज़ा देखो, ये एंट्री का दरवाज़ा है, पता नहीं कब खुलता होगा, बट हाँ ये 1901 में इरेक्ट हुआ था, 1901 के अंदर इसको स्थापित किया गया था, बनाया गया था, और तब से अब तक ऑलमोस्ट आप देख ही सकते हो कि कितने साल हो गए हैं, 100 साल प्लस का ये हो चुका है। इधर अगर आप देखना चाहो तो ये टेलीस्कोप्स हैं यहाँ पर, ये डेफिनेटली पेड टेलीस्कोप्स हैं, और इनको टेलीस्कोप्स को के अंदर सिक्का डालते हो आप, एक दो डॉलर का, इसमें दो डॉलर का एक कॉइन डलेगा और फिर आप यहाँ से नीचे का व्यू देख सकते हो, अदरवाइज़ ये डीएक्टिवेटेड रहता है, आप इससे कुछ नहीं देख सकते। ये बटन है इसका, ये की लगती है सॉरी यहाँ पर, और आप इससे ये देख सकते हो। फिर ये वाले जो स्टेशन हैं ये इरेक्ट किए गए हैं ताकि कैमराज वगैरह जो आपके, वो ये स्क्रू है वो कैमरा इसके अंदर लग जाता है और आप इसे ऐसे टाइट कर देते हो, तो उसके बाद क्या कि आपने यहाँ से जो लाइट हाउस है इसका जो फोटो है वीडियो है वो सब आप अपने ले सकते हो। बट इधर से अगर आप व्यू देखोगे, यहाँ से अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं, निधि को बोलता हूँ मैं कि थोड़ा कैमरा लेकर के इधर आएगी और मैं आपको नीचे का व्यू दिखाता हूँ। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक बीच है और साथ में घर हैं, रिजॉर्ट्स हैं, वो सारी जगहें हैं यहाँ पर रुकने की रहने की, और चारों तरफ बहुत ही अच्छा व्यू है और बहुत अच्छी हवा इधर ऊपर चल रही है ऑब्वियसली, क्योंकि काफ़ी सारे पेड़ हैं, रीजंस अलग अलग हैं, बट हाँ ये लाइट हाउस का जो व्यू है ये अलग ही दास्तां बयां कर रहा है। मेरे पीछे अगर आप देखो तो ये पूरा माउंटेन रेंज है, अगर आप देखो तो चारों तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं और बहुत ही सारे माउंटेन्स हैं, इनफैक्ट पूरा एरिया ये माउंटेन से ही कवर्ड है। और ये ईस्टरली पॉइंट है बहुत पूरे ऑस्ट्रेलिया का, इस टाइम यहाँ पर भीड़ आनी शुरू हो चुकी है और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आ रहे हैं, तो मैं भी नीचे चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि नीचे क्या है, क्योंकि ये जस्ट सिर्फ लाइट हाउस नहीं है कि आप आए और सिर्फ लाइट हाउस देखा और चले गए, सो यहाँ पर और भी चीज़ें, वॉक है बेसिकली, आप यहाँ से वॉक कर सकते हो। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो है ईस्ट साइड, जो लाइट हाउस है उसकी ईस्ट साइड, और ईस्ट साइड पर अगर मेरे पीछे मैं आपको भी दिखाऊंगा, लुकआउट पॉइंट्स हैं, यहाँ से वॉक है, ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से नीचे जाते हो आप, काफ़ी लंबी वॉक है, इस वॉक को करते हुए रास्ते में आपको अलग अलग जगह पर काफ़ी सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे तोते हैं वो दिखेंगे आपको, और सीनिक व्यूज़ तो हैं ही, और ऑब्वियसली आप वेल्स देख सकते हो यहाँ पर, इस टाइम पर वेल्स है जो यहाँ पर काफ़ी दिख रही हैं, लोग कैमराज वगैरह लेकर के आए हुए हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नीचे बेसिकली है क्या,
निधि, मैं निधि को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आ करके आपको लुकआउट दिखाए, यहाँ पर लुकआउट कैसे, यहाँ से सीढ़ी है, सीढ़ी से आप नीचे जाते हो तो अलग अलग लुकआउट पॉइंट्स हैं। तो ये जैसे पहला लुकआउट पॉइंट है, यहाँ पर नीचे जाते हैं, यहाँ से आप खड़े होकर पिक्स खींचो, वेल वॉचिंग करो, जो भी करना है आपको वो आप कर सकते हो। सो मैं यहाँ से नीचे चल के जाता हूँ। इधर यहाँ पर ये जो पेड़ है, आप पीछे आवाज़ें सुन पा रहे होंगे तोतों की, बहुत सारे तोते, बहुत ही सुंदर तोते हैं। ये फ्लावर है, पता नहीं प्लांट है कौन सा, क्या है ये, इसके ऊपर बैठे रहते हैं और ये इसके ऊपर अपनी चोंच मारते रहते हैं, पता नहीं क्या है, ये फ्लावर ही है। और इधर से मैं जाता हूँ तो लुकआउट पॉइंट है, ये जो पहले वाला लुकआउट पॉइंट है, तो यहाँ से भी व्यूज़ बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, और वेल्स भी दिखी है मुझे एक दो, तो ये यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर सकते हो। और यहीं से अगर आप ऊपर की साइड देखोगे तो वो बायरन बे लाइट हाउस है जो, वो भी आपको दिख जाएगा, उसका रिफ्लेक्टर बहुत अच्छा दिख रहा है ऊपर से, और यहाँ से अलग ही लग रहा है बायरन बे लाइट हाउस, बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ से वॉक है, सीधी सीढ़ियों से नीचे उतरोगे तो पूरी लंबी वॉक है, काफ़ी देर तक आपको चलना पड़ेगा, बट हाँ बीच में बैठने की जगह भी आएगी कि आप बैठ भी सकते हो उधर। और इधर ध्यान से, बच्चे अगर साथ में हो तो इस साइड से कुछ भी खेलते खेलते इधर पैर स्लिप हो सकता है, तो इधर ध्यान से रखना है पैर वगैरह। बट हाँ इधर तोते वगैरह, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है, और जो फ्रूट्स लगे हुए हैं ये इसके तोते खा रहे हैं, ये अलग ही एहसास सा हो रहा है। बट हाँ मुझे दिख रहे हैं तोते इस टाइम पर अलग अलग जगह पर, कैमरा के अंदर अभी कैप्चर नहीं हो पाएंगे क्योंकि मुझे क्लोज़अप शॉट्स लेने पड़ेंगे, बट बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरे इधर चांद है ऊपर और मेरे लेफ्ट साइड पर सन है, तो मैं आगे जा रहा हूँ और वो देखो चांद भी दिख रहा है यहाँ पर। जूम आउट अगर मैं करूँ तो आप देख सकते हो कि वो कितना दूर है, बट हाँ चांद भी यहाँ से दिख रहा है। और ये देखो चलते चलते आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के बर्ड्स दिख सकते हैं, वो देखो एक मिल गया मुझे, ये बैठा हुआ है बीच में और ये पता नहीं इस फ्रूट को खा रहा है या क्या कर रहा है, बट हाँ मुझे एक पैरट मिल गया है। तो ये देखो पेड़ पर अलग अलग पैरट्स हैं, ये भी है जनाब, यहाँ पर बैठे हैं मज़े। अभी मैं यहाँ से जा रहा था, जब मैं वीडियो बना रहा था तो दो तीन तोते आए और मुझे हाथ पर चोंच मारकर चले गए, आई गेस गुस्सा हो रहे होंगे कि हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहा है भाई सुबह सुबह अपनी, तू तो वीडियो बना रहा है और हम अपना खाना खा रहे हैं। तो ये व्यू है यहाँ पर जो वॉक आप करते हो, बहुत ही अच्छा सा व्यू आता है इधर से दोनों तरफ, लेफ्ट साइड पर जंगल ही जंगल है, राइट साइड पर अगर आप देखोगे तो आपको ये ओशन दिखेगा, लेफ्ट राइट अपने हिसाब से देख लेना भाई। सो ये एक और जगह आ गई है यहाँ पर बैठने की, सो इस जगह पर भी आप आराम से बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो चल कर आए हो उधर से। तो ये लुकआउट पॉइंट है यहाँ पर जो सेकंड वाला है, तो अलग अलग नंबर्स हैं जो और वो इधर दिया हुआ है, मैं आपको भी दिखाऊंगा वो नंबर्स, और QR कोड है जिससे आप क्लिक करके एक्सेस, मतलब स्कैन करके एक्सेस कर सकते हो इन्फॉर्मेशन जो इस जगह के बारे में दी हुई है। तो ये दूसरा लुकआउट पॉइंट है, इधर आप रिलैक्स भी कर सकते हो, एक बेंच दिया गया है तो आराम से इधर बैठ करके रिलैक्स करो, चल के आए हो। और दोपहर के टाइम पर मैं रिकमेंड करूँगा कि मत आना क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होगी, गर्मी होगी, या तो बिल्कुल सुबह सुबह या फिर इवनिंग के टाइम पर, तो दो ही टाइम है जब आपको यहाँ पर आना है। Bye.
अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये ट्रैक क्लोज्ड है, तो वर्टिगुस बीच पर अगर आपको जाना है तो आप यहाँ यहीं से वॉक करते हुए चल के आप आगे से जा सकते थे, बट अब क्या है कि ये ट्रैक क्लोज्ड है क्योंकि कुछ या तो काम चल रहा होगा या फिर कुछ ना कुछ स्लाइड स्लूड होगी होगी या कुछ भी होगा, एग्जैक्ट रीज़न मुझे नहीं पता, बट हाँ अभी ट्रैक क्लोज्ड है मेंटेनेंस वर्क्स के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर। डेट ऑफ क्लोजर है वो 26 अप्रैल से जुलाई 2023, मतलब इस महीने तक ये क्लोज रहेगा। तो यहीं से आप फिर हम आगे चलते हैं, बट हाँ वेटेगुस बीच अगर नहीं जा रहे तो बाकी वॉक तो कंटिन्यू करते हैं ना। आ जाओ, वहाँ पर जो पेड़ है इसकी मुझे एक पत्तों की एक बड़ी खास बात दिखी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग ये पत्ते ना शाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शाइन हो रहा है, पर हाँ ये पत्ते इसी तरह के हैं कि एक साइड पर ये ग्रीन है और जो पीछे की साइड का जो एरिया है, ये जो इसका है जो पत्ते का सरफेस है, दिखाऊं मैं अगर आपको, इस साइड से एकदम ग्रीन है और इस साइड से अगर मैं दिखाऊं आपको तो एकदम वाइट और शाइनी है। सो ये वाला साइड ग्रीन और ये वाला साइड शाइनी। तो जब हवा चल रही है यहाँ पर तो जो पेड़ है, जैसे अगर मैं ये दिखाऊं कोई ये वाला पेड़ है मान लो, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इसके पत्ते, बट वो शाइन नहीं है, वो बेसिकली एक सरफेस है जो वो एकदम शाइनी वाइट सरफेस है और जो एक एक साइड है वो ग्रीन है, तो बहुत ज़्यादा शाइनी लगता है अगर दूर से देखो तो। मुझे ऐसा लगा शीशा वगैरह मैं कहीं देख रहा हूँ। और ये एक और लुकआउट पॉइंट है जो नेक्स्ट पॉइंट है, इस पॉइंट से भी आपको जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। ऑब्वियसली सारा ही जगह ही बड़ी अच्छी है ये। तो ये 15 है, इसका नाम है कैप्टन कुक साइट 15। तो इसकी जो हिस्ट्री है अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप इसका जो QR कोड है वो स्कैन कर सकते हो यहाँ से, और QR कोड स्कैन करोगे तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये N लिखा हुआ है, तो ये N का मतलब निधि नहीं है, ये N का मतलब है नॉर्थ। तो ये साइड है जो वो नॉर्थ है और यहीं पर ही कंपास बना हुआ है, और ये वाली जो साइड है मेरे लेफ्ट में ये ईस्ट है, राइट साइड पे मेरे वेस्ट है और मेरे जस्ट सामने साउथ है। सो ये जो साइड है ये ईस्ट साइड है, इसी साइड के लिए ही यहाँ पर सब लोग आते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट ईस्टर्ली पॉइंट है, तो ये सबसे ज़्यादा ईस्ट के अंदर है। इसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ, ये कंपास है, ये पूरा चारों तरफ गोल सर्कल में कंपास बना हुआ है, तो कंपास के भी दर्शन कराता हूँ मैं आपको अभी। ये वाली साइड नॉर्थ है और वो उधर ईस्ट है, ये इधर साउथ है और यहाँ पर वेस्ट है। तो ये कंपास है, ये ऐसे ईंटों से कंपास बनाई हुई है यहाँ पर, और वो ईस्टर्ली पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का जहाँ पर वो अभी कपल खड़ा है, तो उधर फ़ोटोज़ ले रहे हैं। मैं भी अभी उधर जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा वहाँ से व्यू कैसा आता है, बट हाँ अगर मैं इधर से आपको दिखाऊँ यहाँ से नीचे इस साइड से, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी काफ़ी दूर जाकर एक और लुकआउट पॉइंट है, बट वहाँ तक जाने का रास्ता ये नहीं है, ये रास्ता यहाँ से अभी बंद कर दिया गया है, तो इधर से भी आप कहीं नहीं जा सकते आगे, बट हाँ ये मोस्ट ईस्टर्ली पॉइंट है, इसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो अब मैं आ गया हूँ सबसे ज़्यादा ईस्टर्ली पॉइंट पे, जैसा कि ये बोर्ड भी आपको बता रहा है, दिस इज़ द मोस्ट ईस्टर्ली पॉइंट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड। तो ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट है जहाँ पर मैं आ गया हूँ, मेरा वेस्ट साउथ और नॉर्थ बाकी है, वो मैं बाद में जाऊँगा, बट हाँ ईस्टर्न पॉइंट मैंने और निधि ने कवर कर लिया है, हम आ गए हैं यहाँ पर। और यहाँ से जो व्यू है वो ऑब्वियसली सामने तो कुछ दिख ही नहीं रहा है क्योंकि होराइज़न ही दिख रहा है मुझे सामने, और शिप्स वगैरह भी कोई नहीं है फ़िलहाल तो, बट व्यू बहुत अच्छा है सुबह के टाइम पर, बहुत ही प्यारा व्यू है। तो यहाँ से देखो ये व्यू आता है नीचे का, अगर मैं दिखाऊँ तो ये आपको नीचे ये जो झाग हैं वेव्स की वजह से जो बन रहे हैं, झाग भी कहूँ, झाग तो खैर वो हैं, अगर आप वहाँ पर देखो ये वाली जगह जो यहाँ पर वेल है जो अभी थी, तो ये झाग हैं जो वेल्स की वजह से आते हैं, तो उधर भी है वेल्स, तो कुछ एक वेल्स हैं जो यहाँ पर ओशन के अंदर हैं, बट ऊपर आएगी तो लकीली मैं कैप्चर कर पाऊँ ऐसी मैं कामना करता हूँ, बट हाँ इधर अगर देखूँ तो इस साइड पर भी बहुत ही प्यारा व्यू है, और वो भी लुकआउट पॉइंट है जहाँ पर अभी नहीं जा सकते, बीच है वो, बट यस जो व्यू है वो सच में बहुत ही ब्रेथ टेकिंग है। और अगर यहाँ से ही मैं आपको दिखाऊँ तो वो दूर लाइट हाउस भी दिख जाएगा, क्योंकि वहाँ से हम वॉक करके आएँ तो वो दूर लाइट हाउस भी दिख जाएगा। और ये है वो कंपास जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया। तो मैं अब अपनी जर्नी एंड कर रहा हूँ, मैंने मोस्ट ईस्टर्ली पॉइंट है जो ऑस्ट्रेलिया का वो देख लिया है, और यहाँ पर मैंने अपना जो है उपस्थिति दर्ज करा दी है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, बट हाँ
बायरन बे लाइट हाउस मस्ट विजिट है अगर आप लाइट हाउस के शौकीन हैं या फिर आप बायरन बे विज़िट करने आते हैं, क्योंकि ये बायरन बे लाइट हाउस को देखे बिना बायरन बे का जो ट्रिप है वो अधूरा ही रहेगा। बाकी इसके अलावा मेन बीच है और दूसरे बीचेस हैं जहाँ पर सनसेट देख सकते हो आप और सनराइज़ भी देख सकते हो अलग अलग बीचेस पर। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको कवर करूँगा, बट हाँ अभी के लिए बायरन बे लाइट हाउस, उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को हो सके तो। सन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, सनस्क्रीन ज़रूर लेकर के आना अगर दिन के टाइम में आते हो, अदरवाइज़ स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं। थैंक यू।